हेलो गाइस, एक बार भी स्वागत करता हूँ आपका मैथ विद्यालय पर। देखो, आज जो मेरी क्लास है वो क्लास 9th है और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो हमने कल देखा था वो 1.1 में हमने जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए थे, और आज जो हम करेंगे अपना 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है आराम से करेंगे। देखो, इस चैप्टर को मैं बिल्कुल जड़ से नहीं, शुरुआत ही नहीं, बिल्कुल जीरो से लेकर चला हूँ, तो जीरो से लेकर अपना आराम आराम से सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी इस चैप्टर में आते हैं। ठीक है, 1.2 का देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे। और थोड़ी सी बात है, देखो यही होती है शुरुआत में कि वीडियो को लाइक तो करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, 1.2 का देखो पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो इस चैप्टर में जो हमारा देखो चैप्टर का नाम भी संख्या पद्धति है, इसमें ज़्यादातर बात होती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। देखो मैंने इसकी क्लास भी ले रखी है, उस क्लास में मैंने ये सारी बातें वहाँ पर समझा रखी है। ठीक है, शुरुआत में जी 1.1 स्टार्ट की थी तब भी मैंने ये बात सिखाई थी कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तब ये मैंने सारी बात वहाँ पर कर ली थी। तो जिसने वे क्लास वाले ली होगी तो पक्का 100% जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है वे सारे ही कर लेगा। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, यह बात सत्य है हमारी। क्या है सत्य हमारी? सत्य सत्य वास्तविक संख्या में यहां लिखता हूं, मैं कोष्ठ में लिखता हूं इसको, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है, यह बात हमारी सत्य है। इनकी हमने बात कर ली थी पहली वाली क्लास में कि वास्तविक संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा उसने कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूटम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से स्टार्ट होती है और इनफिनाइट तक होती है, यानी कि अनंत तक होती है, वो होती है हमारी क्या प्राकृत संख्या। तो इसने क्या कहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, देखो संख्या रेखा क्या होती है, या जैसे कि संख्या रेखा यह है हमारे पास, इस पर जो भी प्रत्येक बिंदु होगा क्या वह रूट एम के रूप में होगी, नहीं होगी, या बात असत्य गलत है। देख लो जैसे कि हमारे पास कोई संख्या 9, अगर 9 को हम देखो इसने रूट रूट एम के रूप में कहा, अगर रूट 9 को हम 9 को अगर रूट में रखते हैं तो रूट से बाहर निकलेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 3 को हो जाएगा, तो 3 तो रूट में नहीं आएगा। तो मतलब कि यह बात हमारी क्या असत्य है कि प्रत्येक बिंदु रूटम के रूप में हम नहीं ले सकते, तो असत्य है। तो लिखने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, लिखने का तरीका क्या है असत्य होगा। तो संग लिखना है कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या रेखा पर धन ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती है, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संभव नहीं है, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इसका हो चुका है हमारे पहले क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, या भी बात गलत है। देखो यहाँ पर तो बात थी क्या कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी वास्तविक संख्या ही होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 9 लिया, और 9 को अगर हम 9 है तो 9 भी तो एक हमारी वास्तविक संख्या है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3, तो होता है 3 भी तो वास्तविक संख्या है हमारी, तो यह बात सत्य थी। परंतु यहाँ पर क्या कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या,
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पर अपरिमेय संख्या होती है। यह बात गलती है, हमारी गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी होती है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है, ना कि अपरिमेय अपरिमेय होती है। तो लिखेंगे हम, ये तो पहले लिखेंगे असत्य, यहाँ पर मैं असत्य लिखता हूँ, और फिर बाद में क्या लिखना है, क्योंकि वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी होती है। इन्हें प्रत्येक की बात किया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये तो बहुत गलती है भाई, परिमेय संख्या में तो होती है, वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो फटाफट इसका उतारो या स्क्रीनशॉट लो, आपकी इच्छा पर डिपेंड है, तो करिए इसको फटाफट, फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। गर्मी भी बहुत हो रही भाई, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे क्वेश्चन है सारे आसान क्वेश्चन है, ना कि इतने हार्ड क्वेश्चन है लैंग्वेज के, परंतु है आसान, देखो आसाना, देखो जो पहला चैप्टर होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड ईयर लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आते हैं उसमें, जो हमारा पहला चैप्टर होता है उसमें ज़्यादातर आपको चाहे तो हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपको लैंग्वेज द्वारा जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऐसे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन आपको। जो अगले चैप्टर, जो अगला चैप्टर शुरू होगा, जैसे कि हमारा कोई भी चैप्टर होगा, तो वो आसान होता चला जाएगा। देखो जब 12th क्लास में आप आओगे तो शुरुआत में आप देखो मेरी बात गौर से सुनना, जैसे कि कोई आपका नया चैप्टर शुरू हुआ और आपने पहला क्वेश्चन किया, तो पहला क्वेश्चन उसका इतना बड़ा पाओगा, बहुत ही बड़ा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन पाओगा ज़्यादातर पहला क्वेश्चन, और जैसा जैसे कि आप दूसरे क्वेश्चन पे आए, तो अगर वो क्वेश्चन पूरे बोर्ड पे है ना, तो वो दूसरा क्वेश्चन इतने पे ही आ जाएगा बस। ये 12th क्लास का देखो ये होता है मैथ में, कि पहला क्वेश्चन हार्ड दे दिया, सारे क्वेश्चन आसान बिल्कुल, ऐसे देखो पहला चैप्टर जो है हमारा वो लैंग्वेज पर आधारित है, सारे ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन है लैंग्वेज के ही है, चाहे तो हार्ड ही मिलते हैं चाहे लैंग्वेज द्वारा मिलते हैं। देखो छोटी क्लास में ज़्यादातर लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन मिलते हैं शुरुआती बिंदु में, तो ठीक है। देखो पहले इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक देना, हम 2-3 देंगे। तो लिख देगा पहला नहीं के बाद लिखना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं, ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास जैसे कि मेरे पास संख्या रूट में 1, तो 1 का स्क्वायर 1 कितनी बार कर लो तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर अगर हमारे पास 5 भी है तो तब भी वैल्यू हमारी 1 ही आएगा, अगर 1 अगर जैसे कि हमारे पास 4 है तो 4 किसका वर्ग है, यानी 4 किसका वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, तो 2 का हो जाएगा ये, तो ये तो हमारी परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 9 है तो 9 भी किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो यह भी हमारी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, क्यों है, देखो आपको कहोगे कि परिमेय संख्या तो पी बट्टे क्यू के रूप में होती है, अरे इसके नीचे एक मान लो होगी कि परिमेय संख्या के रूप में, तो एग्जांपल मैंने ये ले ली तो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। फिर मैंने देखा कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं है, एग्जाम्पल एक बोला था मैंने 3 लिए और 3 ही मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए, तो आप भी देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो देख लो एक बार आप भी। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको भी करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1.2 का, तो देखो लास्ट क्वेश्चन भी देखो देखने में हार्ड लग रहा है परंतु है कुछ नहीं।
जिस पर संख्या रेखा आती होगी, क्योंकि यहाँ संख्या रेखा में क्या कहाँ पर क्या अंक होते हैं, तो उसके लिए तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आसान है। देखो कैसे कि इसने क्या कहा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट पाँच को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। किसको, रूट पाँच को, किस पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर रूट पाँच को, रूट पाँच को हमें दर्शाना है, किस प्रकार दर्शाना है, देखिए। देखो संख्या रेखा क्या होती है हमारे पास, बीच में होती है जीरो, इधर चलते हैं प्लस का, इधर चलता है माइनस का, तो प्लस का एक, प्लस के दो, प्लस का पाँच है तो प्लस के पाँच को हम दर्शाओगे, ठीक है। आगे हम ले लेते हैं तीन, तो ये बिंदु तो मैंने मान लिया ए, और ये बिंदु मान लिया मैंने बी, ठीक है। देखो आप देख रहे हो ना भाई, ये संख्या रेखा होगी हमारे पास, होगी यहाँ पर बीच में जीरो होता है, ये आपको पता भी है, इधर माइनस का चलता है, इधर प्लस का चलता है, इधर माइनस का, इधर प्लस का, तो एक दो, आगे तीन भी होता है, चार भी होता है, तो आगे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं लेना है आपको, हमें रूट पाँच दर्शाना है ओनली। तो देखो ये बिंदु मैंने ए मान लिया, ये बिंदु बी मान लिया, क्यों माना, आगे आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ तक की जो बिंदु हो जाएगी, लाइन हो जाएगी हमारी, वह दो हो जाएगी, ठीक है। एक लाइन मैंने ऐसे ऐसे खींची और यहाँ पर मिला दी, तो ये होगी वन, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा ये, और आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, यह पर मैं आपको पढ़ी हुई होगी, जिसने नहीं पढ़ी है तो वो देख लगता है। देखो ताजी ताजी जोड़ पड़ेगा बच्चा, थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत हो सकती है, और जिसने जिसकी पुरानी हो चुकी है वो तो समझ जाएगा हाँ ये है क्या, ठीक है। देखो ये तो होता है आधार ट्रायंगल का, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, इसका बोलते हम लंब, इसका बोलते हम आधार, और इसको बोलते हम कर्ण, ठीक है भाई। तो देखो ये मैंने ए मान लिया, बी मान लिया, इसको सी मान लो आप, तो देखो जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए सी, देखो ए सी यानी कर्ण, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस के ए बी, यानी कि बोल सकते हो कि कर्ण का क्या हो रहा, जैसे कि आप बोल सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप ऐसे ही बोल सकते हो आप, ठीक है, ठीक है भाई। लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास है वन, ये लंब होता है प्लस, और आधार कितना होता है हमारे पास, दो, दो है तो दो का स्क्वायर, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आएगा, दो और चार अरे कितने होते हैं, पाँच होते हैं, आयु कर्ण के स्क्वायर बराबर चल रहा है हमारा, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर फाइव। देखो स्क्वायर को हटाएंगे तो यह संख्या हमारी रूट में आ जाएगी, तो कर्ण बराबर रूट पाँच, तो मैं रूट पाँच को ही दर्शाना था संख्या रेखा पर, और संख्या रेखा पर मैंने दर्शा दिया हाँ ये जो हमारी संख्या है यहाँ पर वो रूट फाइव है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगी है, जिसने ये पढ़ ली होगी बच्चे ने तो वो तो कर लेगा फटाफट, जिसने जिसकी नहीं है तो वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नई नई चीज़ थोड़ी सी। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हो गया। बल लंब कितना हमारे पास, वन, वन का स्क्वायर प्लस आधार कितने हमारे पास, दो, दो का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, चार एक पाँच, तो पाँच देखो स्क्वायर अट्ठाईस, स्क्वायर अठहत्तर, तो यह संख्या के रूट में, तो रूट पाँच, तो रूट पाँच मैंने संख्या रेखा पर दर्शा दी है। तो लास्ट क्वेश्चन था, तो ठीक है भाई, देखो क्लास को थोड़ा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादातर, तो जितनी आप सपोर्ट करोगे उतनी मैं मेहनत करूँगा, तो ठीक है कल मिलते हैं आप अपने टाइम पर, बाय।